मेन कुच्ची का जो स्पेशलिटी है ना, जो ट्रेड है कुच्ची जिसके लिए मशहूर, वो है लंगड़ा। कुच्ची का पतले छिलके का लंगड़ा, लंगड़ा आपको इसमें रस भरा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, गिर रहा है। हाँ, इसका कारण ये है, कौन सा वैरायटी राजा लगाया था यहाँ, जो कुच्ची का राजा का बाग है आम का, इसका छिलका बहुत पतला होता है, छिलेंगे ना तो समझ में आ जाएगा, बहुत पतला छिलका था लंबा। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है कुमार कुमार साहू और मेरे चैनल का नाम है पीटी रॉयल, और आप तो जानते हैं मेरे चैनल का नाम। आज हम जा रहे हैं कुच्ची, हमारे मित्र अभी जस्ट पहुँचे हैं युवराज, वो भी जा रहे हैं हमारे पास कुच्ची। कुच्ची में आम का बगीचा है, वहाँ आम की बहुत सारी वेरायटी है, तो हम आपको ले जाते हैं। वहाँ जाने का रूट इस तरह है कि राजनांदगांव से आपको आना पड़ेगा डोंगरगांव, 25 किलोमीटर की दूरी पर, डोंगरगांव से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर कुच्ची लगा हुआ है। वहाँ प्राचीन समय से आम का बगीचा है, जो कि राजाओं ने लगाया था, उसके बाद वहाँ अंग्रेजों का अधिकार था, और अभी वह किसी बनारस के ठेकेदारों द्वारा वहाँ ठेका में चलता है। तो वहाँ जा रहे हैं और वहाँ आम का करते हैं एंजॉय, आपको भी दिखाते हैं आम कितने टाइप का है। दोस्तों, हम राजनांदगांव से डोंगरगांव की ओर निकल गए हैं और 25 किलोमीटर की दूरी पर हमको डोंगरगांव नामक नगर मिलता है। वहां से हम लेफ्ट लेकर 5 किलोमीटर और जाएंगे तो हमको खुज्जी का वो बगीचा मिल जाएगा जहां हम जा रहे हैं। दोस्तों, रास्ते में हमको बारिश का सामना करना पड़ा और हम थोड़ा सा भीग गया, लेकिन हम हार नहीं माने हैं और हम आपको खुज्जी का वो बगीचा हम आपको दिखा के रहेंगे। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। दोस्तों, डोंगरगांव से ये है खुज्जी मार्ग और खुज्जी का फर्स्ट ब्रिज पड़ेगा। इसी ब्रिज के नीचे लगा हुआ है आम का बगीचा, ये लेफ्ट साइड आप जो देख रहे हैं वो है आम का बगीचा। ये जो पुल है, पुल के जस्ट नीचे ही आपको उतरना पड़ेगा बगीचा जाने के लिए आम का, और यहाँ से एक पतला सा रास्ता गया हुआ है आम के बगीचे, बहुत सारे लोग घूमने आते हैं ऐसा लग रहा है। यह आम के बगीचे के बारे में हमको पता चला है कि यह आम का बगीचा राजाओं द्वारा लगाया हुआ है, अभी ठेके पे चलता है। यहाँ करीबन 300 से 400 करीब यहाँ आम के ट्री हैं और यह जस्ट नदी के बगल से लगा हुआ यह आम का बगीचा है। प्राकृतिक खूबसूरती के साथ साथ यह फलदार वृक्ष हमको बहुत ही स्पेशल क्वालिटी के फल भी यहाँ देती है, यह सुनाई दिया है। चलो, हम आपको देरी न करते हुए ले जाते हैं वह आम के कुछ कुछ वैरायटी, जिसे हम सुनकर देखकर आ रहे हैं कि यह प्राचीन काल से यहाँ पर आम का बगीचा है और यहाँ बहुत मीठे आम मिलते हैं, तो चलो आपको दिखाते हैं। ये है बॉम्बे ग्रीन। अच्छा, ये इस टाइप का आता है, ग्रीन रहता है जब पौधे में रहेगा ना, तो ग्रीन, उसके बाद जब पकना शुरू होगा तो ऐसा करके ये रेड शेप लेगा। अच्छा अच्छा, ये पीछे जैसे शुरू हो रहा है उसमें। अच्छा अच्छा, इतना बड़ा साइज का होता है, बहुत मीठा बड़ा आता है। और ये कौन कौन सा आम का प्रकार है भैया, बताओ ना। अपने यहाँ है मेन खुज्जी का जो स्पेशलिटी है ना, जो ट्रेड है खुज्जी जिसके लिए मशहूर, वो है लंगड़ा। खुज्जी का पतले छिलके का लंगड़ा आम, लंगड़ा आम आपको दो तीन जगह अलग अलग वैरायटी में अलग अलग मिलता है। तो जो मार्केट में आपको लंगड़ा आम मिलेगा, जो यहाँ से आता है आपका आंध्रा से भी आता है बैगन फल्ली के साथ में, उड़ीसा से आता है, उड़ीसा भी लंगड़ा आम के लिए अच्छा खासा मार्केट है, पश्चिम बंगाल जहाँ ये अपना अभी चुनाव हो रहा था, पश्चिम बंगाल के साइड वाला एरिया ये टाटा से लगा हुआ है जमशेदपुर से, उधर जो है ना वहाँ से भी लंगड़ा आता है। लेकिन खुज्जी इसके लंगड़े के लिए कि इसका फेमस है, इसका कारण ये है कि कौन सा वैरायटी राजा लगाया था यहाँ, जो खुज्जी का राजा का बाग है ये आम का, इसका छिलका बहुत पतला होता है, छिलेंगे ना तो समझ में आ जाएगा, बहुत पतला छिलका का लंगड़ा। इसको अपन दशहरी जैसा भी उपयोग कर सकते हैं, चूस के खाने का काट के खा सकते हैं, इसलिए इसका अलग ही उसका महत्व है। खुज्जी लोग आते हैं लंगड़ा आम के लिए खुज्जी। और कौन सा आम है इन लोग? दशहरी है, ये सामने फला हुआ है उसमें दिखा सकते हो, दशहरी है ना, ये लटका हुआ है। अच्छा अच्छा, दशहरी आम। Thank you.
सुनना आम तो इस बगीचे में बहुत सारे हैं। कलमी मिलेगा, तोतापली मिलेगा, मालगोवा है। अरे बाप रे, शक्कर जैसा मीठा है ये। बॉम्बे ग्रीन है वाकई में, जैसा इसके बारे में बताया गया था। ये तो नासिक बॉम्बे से महाराष्ट्र का वैरायटी है। आपूस और ये आम भी इतने सारे हैं यार, तो समझ ही नहीं आता कौन क्या क्या है। सर लो ना, खा के देखे ना सर। इस तरफ आओ ना सर, आम दीजिए। अब सेकंड में हम टेस्ट कर रहे हैं लंगड़ा आम का। बॉम्बे ग्रीन का टेस्ट कर चुके हैं, देखते हैं लंगड़ा आम का टेस्ट कैसा है। यह लंगड़ा आम, इसका टेस्ट देखते हैं कैसा है। बॉम्बे ग्रीन से कम मीठा है लेकिन पूरा रसीला है। देखो इसमें रस भरा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, गिर रहा है। स्वादिष्ट है, इसका अलग स्वाद है। यहाँ हम अलग अलग प्रकारों के आमों का टेस्ट लिए और सभी आमों में अलग अलग खूबियाँ थी। इसके साथ साथ इसके चारों ओर प्राकृतिक रूप से भरा हुआ है आम का पेड़, और उसके बीच में ये छोटा सा बगीचा जहाँ आम का शेड लगा हुआ है। बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ आने के बाद। जाना यहाँ पर ये अपना फलों का राजा आम। तो अभी हम लोग करते हैं इसका टेस्ट, कैसा लग रहा है भाई? खाने के कारण कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, इतना टेस्टी है। सभी आमों का टेस्ट करने के बाद अब हम यहाँ से निकलेंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ के आसपास बगीचों का माहौल। और ये कुछ कुछ ख़रीदार करने बाहर से आए हुए हैं अपने अपने फोर व्हीलर में, और यहाँ कैरेट टू कैरेट आम ले जाते हैं और अपने घर में इसे पकाकर इसका अलग से एंजॉय करते हैं। ये खुज्जी का आम इतना ज़्यादा फेमस है कि यहाँ पूरे साल भर में सिर्फ 15 दिनों में पूरे आम यहाँ से दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। यहाँ ट्रकों का लाइन लगा रहता है आम ले जाने के लिए। अभी यह लॉकडाउन का समय है तो आम ऐसी नॉर्मल कैरेट के रूप में या किलो के रूप में यहाँ दिया जा रहा है, नहीं तो ये आम बचता भी नहीं है। हमको यह जानकारी मिली है यहाँ के लोगों द्वारा। दोस्तों, आपको खुज्जी का यह बगीचा कैसा लगा? आप यहाँ ज़रूर आए और यहाँ का विज़िट करें और यहाँ से आम, रसीले आमों का आप आनंद उठाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा ताकि आप तक हमारा बनाया हुआ नेक्स्ट वीडियो पहुंच सके। हम आम का बगीचे का विजिट कर चुके हैं और ये आप आम की पूरी वैरायटी देखे हैं। और ये जो भैया लोग हैं ये पूरे आम के बगीचों का देखरेख करते हैं और इन्हीं के हाथों में है आम का बगीचा। और जितने भी टाइप के हम आम खाएं सभी बहुत टेस्टी थे, खास करके बॉम्बे ग्रीन। तो चलते हैं दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में आपको ले जाते हैं और कहीं। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, हम लोग का सफ़र यहीं तक था। अब हम डोगरगांव से राजनांदगांव पहुंच चुके हैं और आप राजनांदगांव का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। मेरे चैनल तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।